प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी, आनंद आनंद आनंद, करेज, शक्ति मिली। द प्राइम मिनिस्टर वेरी राइटली सेड दैट दिस इज द टाइम वी शुड लिवरेज द ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, एंड दैट इज इंडियाज रियल एडवांटेज। हिज मैसेज, इंडिया हैज एमर्ज्ड एज विश्व मित्र, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, इज इंस्पायरिंग इन द करेंट ग्लोबल turbulent events. A great speech on the future of our nation. I am overwhelmed to note his concern on women's empowerment and also the announcement on the series of new initiatives for women. Reform, perform and transform. Kiti achhi disha hai aur Bharat na kabhi thakta hai, na kabhi rukta hai aur na kabhi haafta hai. Hum sab aurtein unhe koti koti dhanyawad is baat ka karna chahti hain कि उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए सोचा, नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो एक दिन में तो नारा नहीं हो जाएगा। इस स्वतंत्रता दिवस पे पीएम मोदी जी ने जो ऐलान किया है कि हमारी भारत की बेटियां दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में महिला पायलटें भारत से हैं, बहुत ही गर्व है मुझे। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो एंटी करप्शन का नारा लगाया है इस देश को सर्वप्रथम बनाने के लिए, सबसे ऊपर हमारा देश रहे। आज की प्रधानमंत्री जी का जो संदेश एक पूरे देशवासियों खासकर के युवा वर्ग को एक नया उत्साह प्रेरित करने वाला है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय विकास में कृषि की भूमिका को एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में देखने की पहल हुई है और ये हम सब के लिए गौरव की बात है। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रधानमंत्री जी का भाष्य था जिसको हम आगे बढ़ाएंगे तो अगले 25 साल में यानी अमृत काल में देश को बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। As the Prime Minister pointed out, the success of India today lies in its 140 crore people who are aspirational, who are forward looking and who are continuously reskilling themselves for a better tomorrow. और उन्होंने बताया हम सब एक होकर काम करना है इस देश के लिए। हम एकता में हमारा अनेकता है। Today from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Narendra Modi mentioned about 3 Ds, the demography, the democracy and the diversity. It is interesting that all these 3 Ds are also reflected in Indian MSME community. Aur sabse best takeaway tha of creating the Lakhpati women in self-help groups. Modi ji ne is baar Bharatvasiyon ko parivarjan kehke sambodhit kiya, bahut hi acha raha. अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहूंगा कि आप लगे रहिए सर, हम कदम से कदम मिला के आपके साथ। And as the honorable prime minister said, the ball is in our court. Let's make it count. Happy Independence Day.